भाई कोडिंग डिकोडिंग एक बड़ा ही ऑसम ऑसम कंप्यूटर भाई को हमने कोड में लिख दिया MOCQVRET और कह रहे हैं एलिफेंट को भी कोड में लिखो भाई। तो आखिर किया क्या? देखो जब ये ऐसा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, सबसे पहले ये गिनो कि लेटर कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ऑब्वियसली बात है जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें भी 8 ही होंगे। 8 तो देखो किया क्या हमने, ये जो पहले 3 है इनको रिप्लेस कर दिया, COM था MOC कर दिया। तो यहाँ भी ये करेंगे इतफाक से, इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा कि वो LE बन रहा है। फिर 4th और 5th P और U को क्या किया, एक एक लेटर बढ़ा दिया, P को Q, U को V, तो P को Q, H को I। फिर TR में भी हमने वही किया 6th, 7th, 8th में जो यहाँ किया था, यानी लेटर की तरतीब तब्दील कर दी। TR था तो RET, तो ANTA तो TNA। तो मेरे भाई हो गया, ये कौन सा मुश्किल है सर, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल। अच्छा कोडिंग डी कोडिंग करने से पहले अपने सामने ABCD लिखा कर, कंजूसी के पता है A1, B2, C3 इस तरह Z शब्द हो जाएगा। तो अब कोडिंग डी कोडिंग में एक सवाल आया था, वर्ड दिया था उन्होंने मैंगो, वैसे मैंगो का जमाना भी है भाई, और मैंगो को उन्होंने कोड वर्ड में लिख दिया था। ठीक है, मैंगो को उन्होंने कोड वर्ड में लिख दिया और उसके बाद उन्होंने आपको कहा कि एक वर्ड टेबल है, जिस कोड वर्ड में मैंगो को लिखा है उसी कोड वर्ड में टेबल को लिखा। तो आए देखते हैं मैंगो के साथ हमने किया क्या। पहला लेटर M था, एक कम करके L कर दिया। सेकंड लेटर A था, उसको बढ़ा के B कर दिया। फिर N को एक लेटर कम करके M कर दिया। फिर अगले लेटर G को बढ़ा के H कर दिया। फिर O को कम करके N कर दिया। तो यही खेल हमें टेबल में खेलना होगा। यानी कि बोले तो पहले लेटर है टेबल, T से S, A से B, B से एक कम किया A, L को एक बढ़ाया M, E को एक कम किया D। ऑल्टरनेटली हमने क्या किया, एक लेटर डिक्रीज, फिर एक इंक्रीज, एक डिक्रीज, एक इंक्रीज, और ये हमारा आंसर है। क्योंकि बच्चों IQ के सवाल मल्टीपल मेथड से हो सकते हैं। मैं ज़ाहिर है आपकी एक थिंकिंग डेवलप कराता हूँ कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, जैसे कि 6, 24, 60, 120, 210। एक चीज़ तो आप ये देखो कि इनका आपस में कितना डिफरेंस है। ठीक है, आपस में कितना डिफरेंस है। सो अगर देखो तो ये इन दोनों में 18 का डिफरेंस, 24 और 60 में कितने का ये डिफरेंस होना चाहिए, 36 का, 60 और 120 60, फिर 120 और 60 90। ठीक है, एक इस मेथड से कर सकते हैं, इससे करो। IQ के सवाल पेपर के आए हुए, कैट को लिख दिया है ECV, तो टैक्सी को किस कोड में लिखेंगे। और से देखो C में दो लेटर बढ़ा दिए, C से बड़ा D, D से बड़ा E, A में भी दो लेटर बढ़ा दिए, A से बड़ा B, B से बड़ा C, T में भी दो लेटर बढ़ा दिए, T से बड़ा U, U से बड़ा V, यानी दो दो लेटर एडअप कर रहे हैं। तो सवाल पर टैक्सी में भी वही पैटर्न चलेगा, U से बड़ा T से बड़ा U, U से बड़ा V, A से बड़ा V, B से बड़ा C, X से बड़ा Y, Y से बड़ा Z, I से बड़ा J, J से बड़ा K। फिर इसी तरह मैंगो में M से N, A से C, N से Q, G से K, O से T, यानी यहाँ एक लेटर बढ़ा, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ चार, यहाँ पांच। ज़रा गौर से देखें, एप्पल में A में एक लेटर बढ़ेगा P, अगले में दो लेटर यानी PQR, अगले में तीन लेटर यानी QRS, इसमें चार लेटर MNOP, इसमें पांच लेटर FGHIJ। यहाँ देखो मैथ को लट के लिख दिया हमने HTAM, तो ट्यून को भी उलट देंगे, ई पहले आ जाएगा, फिर एन, फिर यू, फिर टी, ए नोट, ये सारे के सारे आंसर्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, बड़ा अच्छा है, इन सर्टेन कोड SSS रिटन हैज शकोक्ट। ठीक है, हाउ इज डिस्पोज। अब देखो एक एक अगर वर्ड को चेक करो तो टी हो गया एस यानी एक लेटर कम, आर हो गया क्यू, आई हो गया एच, दोनों पी हो गए ओ, एल हो गया के, ई हो गया टी। तो यहाँ तो बड़ा सिंपल था कि एक एक लेटर कम हो रहा है सिर्फ,
अब यहाँ डिस्पोज है, डी का सी, आई का एच, एस है तो आर, पी है तो ओ, ठीक है, ओ है तो एन, एस है तो आर, ई है तो डी, ठीक है। अब यहाँ देखो, इफ इन अ कोड लैंग्वेज कोड इज रिटन हैज बी एन टी के सी, तो मार्जिन जो है वो रिटन ऐसे है। अच्छा देखो, ये बिल्कुल ही चेंज बात करी बज़ाहिर, लेकिन वो जितना नहीं है, सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए दो दे दिए। अभी भी हो रहा है सी से बी बन रहा है, ओ और यू हैं तो ये एन ओ टी हो गए, एल ओ डी एन तो एक के और सी हो गए, एक एक लेटर कम किया है, ये मार्जिन में हुआ है। एम से छोटा एल, अब देखो ए से छोटा क्या होता है, जेड होता है, जेड से बड़ा ए होता है क्यू में, और ए से छोटा जेड होता है। आर से क्यू, जी से एफ, आई और एन है तो एच और एम, एक एक लेटर कम, तो इसका मतलब है ये जो दिया है मॉडलिंग, इससे भी एक एक लेटर कम हो जाएगा। एम का एल, ओ का एन, ठीक है, यू का टी, ये वाला फिर सी ऑप्शन चल रहा है इसका लेवल, एल का के, डी और आई है तो सी और एच, एन और जी है तो एम और एफ। अब देखो ये बड़ा टेक्निकल आ गया है, इन अ सर्टेन कोड मंकी इज रिटन हैज जट शमल, ये क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ और टाइगर कैसे लिखने, यहाँ पे अब कन्फ्यूज हो जाएंगे लोग, क्योंकि ना तो एक लेटर पढ़ने का भाई एम ओ एन के ई वाई, यहाँ तो देखो बिल्कुल अलग है। एक्स वाला मैं करवा रहा हूँ, मंकी इज रिटन हैज जेड डी जी एम एल, अब ये कैसे होगा। देखो एक तो ये होता है कि कुछ लेटर आगे पीछे होते हैं, एक होता है रिवर्स। रिवर्स में कैसे होता है, जैसे देखो मंकी है तो वाई पहले, फिर ई, फिर के, फिर एन, फिर ओ, फिर एम, ऐसे भी होता है। लेकिन क्या इस तरह से भी है, तो जी ये इस तरह से भी नहीं है, देखे ना गौर से, वाई ई के एन ओ एम, ऐसे भी ये नहीं है। तो फिर आखिरकार ये चक्कर है क्या, तो देखो सिंपल सी बात है, पहले तो हमने इसको रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद एक एक लेटर कम कर दिया, वेट अ मिनट, वाई से एक्स, ई से डी, के से जे, एन से एम, ओ से एन, एम से एल, और इसके बाद टाइगर में भी यही करोगे। पहले तो देखो आर को पहले ले आओ, आर ई जी आई टी, फिर उसके बाद एक एक लेटर कम कर दो। वेल आर में से एक लेटर कम करोगे क्यू, ई और जी में से तो डी और एफ, क्यू टी एफ, आई में से एक कम करो एच, टी में से कम करो एस, यानी पहले रिवर्स करना है ऑर्डर, फिर एक एक लेटर कम करना है। तो सही मायनों में दिमाग का इस्तेमाल था इस सवाल में। जैसा कि एक वर्ड है एडमिट, मैं इसको कोडवर्ड में लिख देता हूँ, जेड डब्ल्यू एन आर और जी, इसी कोडवर्ड में एडल को लिखना। यार सबसे पहले काम ही ये करना है, आपने एक बार ए बी सी डी लिखनी है पूरी, कहाँ तक, जेड तक। लेकिन ए इंग्लिश में किसके बराबर होता है, वन के, और जेड 26 के, तो ये सामने सामने, वी 2 वाई 25 सी 3 एक्स 24 डी 4 डब्ल्यू 23। देखो पहला लेटर आखिरी लेटर, सेकंड लेटर सेकंड लास्ट लेटर, थर्ड लेटर थर्ड लास्ट लेटर, फोर्थ फोर्थ लास्ट, फिफ्थ फिफ्थ लास्ट, सिक्स सिक्स लास्ट, सेवन सेवन लास्ट, बहुत बार इस तरह बनते हैं। एडमिट, ठीक है जी, यहाँ पे हमारा ए की जगह जेड कर दिया, डी की जगह डब्ल्यू कर दिया, एन की जगह एन कर दिया, आई जो है वो नवे लेटर पे, और आर आखिर से नवे लेटर पे, ठीक है, जी सातवें लेटर पे, टी आखिर से सातवें लेटर पे, तो वही सेम खेल यहाँ खेलेंगे, ए है तो जेड, पी आखिर से ग्यारहवें लेटर पे तो शुरू से ग्यारहवें लेटर पे के, एल बारहवें लेटर पे आखिर से बारहवें पे ओ, ई पाँचवें आखिर से पाँचवें वी, बिल्कुल ये आपने सामने बनाओ, एम के सामने एन आएगा, ऑब्वियस सी बात है, एम 13 एन 14। एक ट्रिक तो ये हो गई, दूसरी क्या होती है, देखो ए और जेड का सम कितना होता है, एक और 26 का 27, दो और 25 का 27, यही यहाँ भी चलेगा, ए और जेड का सम 27, ठीक है, डी 4 है तो डब्ल्यू 23,
सम 27, एन 13 है, एन 14 सम 27, आई 9 है, आर 18 है सम 27, टी 20 है, जी 7 है सम 27। इस ट्रिक से भी फौरन पकड़ लेंगे, ठीक है। ए और 26 27, बी 16 के 11 27, एल 12 ओ 15 27, ठीक है। कैलेंडर, अब देखो कोड वर्ड में लिखना है और उसी कोड वर्ड में लिखना है सर्कुलर को। वेट अ मिनट, देखो पहला लेटर डिस्टर्ब नहीं हुआ, सेकंड और थर्ड की जगह चेंज हुई, फिर फोर्थ फिफ्थ की, फिर सिक्स सेवन की, एट वाली की, फर्स्ट और लास्ट को हमने नहीं छेड़ा। तो यहाँ भी सी और आर तो वैसे ही रहेंगे, आई और आर की जगह चेंज करो, आर आई, यू सी है तो यू सी, एल ए तो ए एल। अब जनाब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट अगली बात, फेस को हमने लिख दिया यू जेड एक्स वी, टेक को बेसिक कोड वर्ड में लिखना है, वेट अ मिनट, बहुत टाइम। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि चलो भाई एफ को यू, ए को जेड, एक्स को जी। एक्चुअली इसके लिए हमें पूरा एक अपना चार्ट दिमाग में होना चाहिए। इंग्लिश में ए होता है पहला लेटर और जेड होता है आखिरी लेटर, बी होता है सेकंड, वाई होता है सेकंड लास्ट यानी जो 25वें नंबर पे होता है, इसी तरह सी 3, एक्स होता है 24, तो एफ होता है 6 पे और यू आखिर के लास्ट से छठे नंबर पे आता है, आखिर के लास्ट से छठे नंबर पे आता है। ए होता है पहला लेटर, जेड आखिरी लेटर लास्ट, सी होता है थर्ड लेटर और एक्स होता है थर्ड लास्ट, इसी तरह ई होता है फिफ्थ लेटर, वी होता है फिफ्थ लास्ट। तो हमने ये किया, सेम चीज़ यहाँ होगी, टी जो होता है ये सेवन्थ लास्ट लेटर होता है अगर आखिर से कहने, और जी ए फर्स्ट होता है तो जेड, के 11वां होता है तो एंड से 11वां हम करेंगे पी होता है, ई 5वां होता है एंड से 5वां वी होता है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है, ट्रिक ये हो गई, दूसरी बताता हूँ पहले, यहाँ तक समझो। देखिए एग्जाम में आया हुआ वर्ड था फिल्टर्स को हमने कोडिंग में लिख दिया ई एच के यू टी क्यू आर, हम देखो क्या कह रहे हैं, तो गौर से हर सवाल में डिपेंड करता है किया क्या। एफ को एक लेटर कम कर दिया ई, आई को भी कम कर दिया एच, एल को कम कर दिया के, लेकिन टी को बढ़ा दिया यू, फिर ई को कम कर दिया टी, आर को कम कर दिया क्यू, एस को कम कर दिया आर, किस वाले को बढ़ाया है तो देखो बिल्कुल सेंटर में जो है दरमियान में, तो ट्विंकल को भी इसी कोड में लिखना है, तो सेंटर में क्या है इसको एक लेटर बढ़ाएंगे, बाकी सबको एक एक लेटर कम करेंगे, टी से छोटा एस, डब्ल्यू से छोटा वी, आई से छोटा एच, एन से बड़ा ओ, के से छोटा जे, डी से छोटा सी, ई से बड़ा एफ। अब देखो फॉल्स, इतना बड़ा कोड वर्ड में थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ 5 लेटर हैं और यहाँ कितने 10 लेटर, 5 का डबल 10, तो ऐसा क्यों हुआ है। देखो एफ था, इसको हमने ई जी कर दिया, एक लेटर कम किया एक बढ़ा दिया, ए था जेड भी कर दिया, एक कम कर दिया एक बढ़ा दिया, एल था एक कम किया के एक बढ़ा दिया, एस था एक कम कर दिया एक बढ़ा दिया, फिर ई था एक कम कर दिया एक बढ़ा दिया, ऐसे टेबल में करेंगे। पहले टी को कर देंगे एस यू, ए से छोटा जेड बड़ा बी, बी से छोटा ए बड़ा सी, एल से छोटा के बड़ा एम, ई से छोटा डी बड़ा एफ, तो ये हो जाएगा कोड वर्ड में। अच्छा आई क्यू में पोर्शन होता है कोडिंग डी कोडिंग, डब्ल्यू को कोड में मैंने लिख दिया है डब्ल्यू एल टी, क्या लिख दिया डब्ल्यू एल टी, तो डेयर डेयर डेयर, कैट को इसी कोड वर्ड में क्या लिखेंगे, तो देखो डी इंग्लिश में 4th नंबर पे आता है और अगर आप उल्टे लिहाज से चलो जेड वाई एक्स डब्ल्यू 4th नंबर पे आता है, ओ 15वें नंबर पे आता है और उल्टे के लिहाज से एल 15वें पे आता है, जी 7वें नंबर पे आता है उल्टी ए बी सी डी अगर देखें हम ऐसे देखें, तो फिर जी हाँ टी जो है ये 20वें नंबर पे आता है, तो उल्टे हिसाब से लिखा कैट ए बी सी 3रे नंबर पे और उल्टे के लिहाज से 3रे नंबर पे एक्स आता है, ए पहले पे आता है तो जेड, और देखो ये तो आप खुद देख लोगे भाई, जब जी को टी लिखा था तो टी को जी लिखेंगे,